नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून. आई एम सुजन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद. हम सब जानते हैं कि किडनी यानी कि गुर्दा शरीर का एक अहम अंग है. उसका मुख्य कार्य है खून को शुद्ध करना और पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना. आज का टॉपिक या विषय है एक्यूट किडनी इंजरी. आज हमारे साथ है डॉक्टर हरीश वी पटेल, जो अपोलो हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन है, जो हमारे साथ 2010 से जुड़े हुए हैं. आज उनका विशेष रुचि है ABOI किडनी ट्रांसप्लांटेशन में. उन्होंने क्लिनिकल फेलोशिप कैनेडा एंड अमेरिका सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट से किया हुआ है. नमस्ते सर. थैंक यू. वेलकम सर हमारे टॉक शो में. हम लोग सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है? सबसे पहले एक्यूट किडनी इंजरी से पहले मैं बताना चाहूँगा कि किडनी क्या है. जैसे कि इंग्लिश में हम किडनी बोलते हैं, हिंदी में गुर्दा बोलते हैं. तो जब गुर्दे की बात होती है तो अपने शरीर में दो गुर्दे होते हैं. उसकी साइज़ नॉर्मली जब एडल्ट में हम देखते हैं तो 9 से 10 सेंटीमीटर की होती है. और एक गुर्दा 10 लाख फिल्टर कैरी करता है. मीन्स हमारे बॉडी में टोटल 20 लैक्स फिल्टर होते हैं बाय बर्थ. और वो पूरे दिन सक्षम के हिसाब से पूरा जो बॉडी का मेंटेन, जो बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसका मेन काम है एक तो पानी का निकाल करना, दूसरा है शरीर में एसिड बेस को बैलेंस करना, तीसरी चीज़ है टॉक्सिन्स रिमूव करना, चौथी चीज़ है काफ़ी हॉर्मोन्स बैलेंस करना. जैसे कि हीमोग्लोबिन अपना बनता है तो उसका जो हॉर्मोन्स होता है वो किडनी में बनता है. विटामिन डी भी एक्टिव फॉर्म में किडनी में ही बनता है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. मीन्स बीपी का जो रेगुलेशन होता है वो किडनी करता है, क्योंकि उसमें भी जो एड्रिनालिन एंड अल्डोस्टेरोन का जो पूरा मैकेनिज्म है वही किडनी भी हैंडल करती है. तो इट्स अ किडनी को जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के साथ हम दो ऑर्गन के साथ अपने को बॉडी में होता है. और कोई कोई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोगों को बाय बर्थ एक ही किडनी होती है, बट वो एक किडनी भी पूरी सक्षम होती है ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए. अब जब हम एक्यूट किडनी इंजरी की बात करते हैं तो एक्यूट किडनी इंजरी के बहुत सारे रीज़न हैं. जब हम बोले कि हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी, एट होम मीन्स घर पे है पेशेंट उसको एक्यूट किडनी इंजरी, सर्जरी के बाद में एक्यूट किडनी इंजरी, काफ़ी टाइम जो हम रेडियोलॉजी प्रोसीजर करते हैं जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, उसके बाद में एक्यूट किडनी इंजरी. तो इट्स अ ब्रॉड टर्म. तो एक्यूट किडनी इंजरी को जब हम बताना चाहेंगे तो उसमें क्या होता है कि किडनी का फंक्शन टेम्पररी मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पररी उसका डाउनफॉल होता है. और उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. जो उसको हम इमीडिएटली करेक्ट करते हैं तो वो परमानेंट किडनी फेलियर और लॉन्ग टर्म किडनी डैमेज से हम बचा सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन को हम जितना इमीडिएटली पिकअप कर ले और उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करते हैं तो वो लोगों को लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी कम हो जाती है. जी हाँ सर. तो वो कौन से लोग हैं जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी हो जाता है? तो जनरली बोले कि एक्यूट किडनी इंजरी मीन्स टेम्पररी किडनी डैमेज होने के रिस्क फैक्टर है. मैं जैसे कि पूरे कम्युनिटी में देखो तो जो पेशेंट को डायबिटीज़ है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या हार्ट डिजीज़ है, तो और किसी को कैंसर है और कीमोथेरेपी पे है, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि उनको दूसरे शरीर के ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके ऊपर कोई छोटा मोटा जर्क लगता है तो किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है. एज सच मैं बताऊंगा कि जो अपना हार्ट जो खून पंप करता है उसमें 20% किडनी को जाता है. तो किडनी इज़ वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन. वाइटल ऑर्गन इसलिए बोलते हैं कि जो उसको खून नहीं मिलता है टेम्पररी तो वो बिगड़ जाती है, और जो वो खून का जो प्रेशर नहीं बनता है लॉन्ग टर्म तो वो परमानेंट डैमेज तक भी ले जाती है. तो ये सिचुएशन में जैसे कि AKI में बोल रहा हूँ कि जो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई टॉक्सिन है जो किडनी को डैमेज कर रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में दे आर एट हाई रिस्क मीन्स डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर पेशेंट, हार्ट डिसीज वाले पेशेंट, दे आर एट रिस्क फॉर एक्यूट किडनी इंजरी. दूसरी चीज़ में मैं बोलूँ तो जैसे कि जैसे छोटे मोटे डिसीज़ होते हैं जैसे कि फीवर वाला डिसीज़ है या लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, या किसी को ब्लड लॉस हो गया जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और ट्रोमा में काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी बिकॉज कि ब्लड प्रेशर अपना फॉल होता है तो वो ब्लड प्रेशर फॉल होने से या ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से भी किडनी को इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें एक्यूट किडनी इंजरी होती है. ये सब चीज़ें रिवर्सिबल है, जो हम उसको रेक्टिफाई करें तुरंत ही तुरंत ट्रीट करें तो ये किडनी फेल्योर तक नहीं ले जाता है. जी हाँ सर.
ये एक्यूट किडनी इंजरी का इलाज या उपचार क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि कंडीशन कैसे एक्यूट किडनी इंजरी हुई, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम बताया कि एक्यूट किडनी इंजरी में मैं तीन फैक्टर बनाऊंगा, मींस प्री रीनल, मींस किडनी के बिफोर कौन से रिस्क फैक्टर है, बाद में दूसरा फैक्टर है किडनी का खुद का डिसीज, और तीसरा फैक्टर है किडनी के बाद का, मींस किडनी खून बनाती है, लाइक जो किडनी पेशाब बनाती है उसके पहले उसको खून की ज़रूरत होती है, वो फिल्टर करता है तब यूरिन बनता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कुछ भी सिचुएशन है उसको प्री रीनल, मीन किडनी के आगे के रीज़न जिससे किडनी को इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा रीज़न है किडनी के अंदर के खुद के रोग, जैसे कि ल्यूपस डिसीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, वो जेनेटिक डिसीज है, आईजीए नेफ्रोपैथी करके डिसीज है जिसमें किडनी में खुद में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आता है, उसके हिसाब से फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं और किडनी फंक्शन बिगड़ जाता है। और तीसरा रीज़न है पोस्ट रीनल, मीन्स किडनी पेशाब बना रही है लेकिन बाहर एग्जिट नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज है, जैसे कि प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है, किसी को पेशाब की बैग का प्रॉब्लम है, किसी को यूरेटर का प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी किडनी वर्क नहीं करती है, तो उसको भी हम एक्यूट किडनी इंजरी में बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो कभी भी हमारे पास कोई मरीज आता है तो हम ये तीनों में से पहले सेपरेट करते हैं कि मेरा पेशेंट कहाँ जा रहा है। जैसे कि प्री रीनल मीन किडनी को खून नहीं पहुँच रहा है, ऐसी सिचुएशन कैसे आती है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी को शरीर में से खून निकल गया, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, किसी को डायरिया हो गया मीन्स लूज मोशन, तो उसमें क्या होता है शरीर में से काफ़ी पानी चला जाता है, वॉमिटिंग हुआ तो उसमें से पानी चला जाता है तो खून कम हो जाता है बॉडी में, या किडनी को खून कम पहुंचता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है। तो ये सब सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, अच्छी तरह से फ्लूड देना पड़ता है, जो ब्लड लॉस होता है तो ब्लड देना पड़ता है, जो बीपी बहुत ख़राब हो या बहुत कम हो और सेप्सिस जैसे कि इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल गया हो तो उसको आईसीयू में रख के बीपी को अच्छी तरह से मेंटेन करने से हम एक्यूट किडनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इंट्रिंसिक, मींस किडनी के खुद के रोगों में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में हमको उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करके मींस किडनी की बायोप्सी करते हैं, काफ़ी टाइम हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, उसमें पिकअप हो जाता है तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें भी किडनी रिवर्सिबल हो जाती है। और जो पोस्ट रीनल है मींस यूरिन बन रहा है लेकिन ब्लॉकेज है, तो उसको हम सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके ब्लॉकेज आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें किडनी इंजरी में से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ सर, ये एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज के बीच में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम हम हॉस्पिटल में जब पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेशेंट कभी कभी आईसीयू में होता है तो हम रिलेटिव के साथ डिस्कस करते हैं कि आपके फैमिली में जो पेशेंट है उनको किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस की ज़रूरत आई है या नहीं है, तब जाके रिलेटिव के मन में एक ही क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है कि ये सर तो ये तो पूरा लाइफ लॉन्ग का डायलिसिस हो गया, तब जाके हम उनको समझाते हैं कि कौन सी सिचुएशन है क्या है, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में किसी को किडनी का प्रॉब्लम लंबे अरसे से चला आ रहा है और धीरे 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 आके बिगड़ के अब डायलिसिस के स्टेज या उस तरफ जा रहा है, बट एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है कि टेम्पररी किडनी को एक बड़ा जर्क लगता है, इसलिए किडनी टेम्पररी बंद होती है और उसको हम जो सपोर्ट देते हैं तो वो बाहर आ जाती है। तो ये दोनों सिचुएशन अलग है, ये दोनों चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, फैमिली मेम्बर्स जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब आईसीयू में पेशेंट होता है तब बोलते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो उनको मन में एक ही चीज़ आ जाती है कि अभी ये बंदा परमानेंट डायलिसिस पे चला गया। तो ये दोनों चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि टेम्पररी किडनी जब ब्लॉक होती है वो लाइकलीहुड चांसेस होते हैं उसमें रिकवरी हो। हाँ, ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें टेम्पररी किडनी फेलियर हुआ हो लेकिन वो कम्प्लीट रिकवरी नहीं देती है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को मॉनिटर ही करते हैं और उसको बाद में 2 से 3 महीने तक हम वेट करते हैं। कभी भी जब एक्यूट किडनी इंजरी होती है उसमें किडनी की रिकवरी की चांसेस 2 से 12 हफ्ते में होती है, जो वो फेज़ में किडनी रिकवर नहीं होती है या जो फैक्टर से किडनी डैमेज हुई है वो रिकवरेबल नहीं है, तो पॉसिबल है कि वो किडनी एक्यूट किडनी इंजरी वाली किडनी क्रॉनिक किडनी डिसीज में भी जा सकती है। जी हाँ सर, जो एक्यूट किडनी इंजरी से ठीक होते हैं उन मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए? अब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ पेशेंट आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसको एक्यूट किडनी इंजरी हुआ, तो हम उनको पूरी थेरेपी देते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि किसी को ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसको हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के हिसाब से भी कभी कभी किडनी डैमेज होती है, किसी को लूज मोशन वॉमिटिंग के हिसाब से किडनी डैमेज हुई तो फ्लूड देते हैं और किडनी रिकवर होती है, किसी को इन्फेक्शन हुआ, बीपी लो हो गया, ट्रीट किया,
किडनी इंजरी हुई, रिकवर हो गया, तो ये सब चीज़ों में किडनी को पार्शियल डैमेज कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतने जो 10 लाख फिल्टर जो मैं एक किडनी में बोल रहा हूँ, तो जब एक्यूट किडनी इंजरी होती है तो मे बी पॉसिबल है कि काफ़ी नेफ्रॉन लॉस हो गया हो उस समय के फेज़ में जब एक्यूट किडनी इंजरी हो। तो ऐसे पेशेंट को हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं शुरुआत के 2 या 3 महीने के लिए, टू मेक श्योर कि उनका जो किडनी इंजरी हुआ है वो परफेक्ट रिकवर हुआ है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करते हैं, बीपी एनालिसिस करते हैं और क्रिएटिनिन का वैल्यू भी देखते हैं, टू मेक श्योर करते हैं कि कहीं कोई पार्शियल रिकवरी मींस पार्शियल डैमेज पीछे नहीं रह गया हो। क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो हम मिस कर जाते हैं तो वो बाद में 5-6 साल के बाद वापस वही किडनी का प्रॉब्लम लेके आते हैं। और दूसरे पेशेंट, जैसे कि हमारे पास पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी जैसे मैंने डायग्नोस किया, बट वो पेशेंट में जो पहले कभी कोई किडनी का टेस्ट नहीं हुआ हो, तब जाके हमारे पास भी वो एक डिफ़िकल्टी रह जाती कि ये पेशेंट को टेम्पररी ही किडनी डैमेज हुआ है या कुछ किडनी का प्रायर उसके पहले थोड़ा बहुत डैमेज था और ये जो भी नया प्रॉब्लम हुआ उसके हिसाब से किडनी बंद हो गई। तो ये दोनों चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट में अलग करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी से रिकवर होता हो तो उसको हम एटलीस्ट 3 महीने तक फॉलोअप करते हैं, टू मेक श्योर करते हैं कि उसकी रिकवरी प्रॉपर है कि नहीं। प्रॉपर नहीं है तो पार्शियल रिकवरी है तो उसको लॉन्ग टर्म क्या ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो वही किडनी ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 5 years किडनी फेलियर में जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई डायबिटिक पेशेंट हो, 10 साल से डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको किडनी में छोटा मोटा डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या चेंजेस आए हुए होते हैं। और नॉर्मली हम बोलते हैं कि हर डायबिटिक पेशेंट को किडनी फेलियर नहीं होता है। जैसे कि 100 पेशेंट मैं देखता हूँ डायबिटीज़ का, तो 40% ऐसे पेशेंट होते हैं उसको डायबिटीज़ के चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उन्होंने कभी कोई टेस्ट ही नहीं किया होता है कि किडनी रिलेटेड कोई इश्यू है कि नहीं। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे एक्यूट किडनी इंजरी हो, जैसे कि उनको कुछ दस्त लग गया या वॉमिटिंग हो गई या कोई जगह से कुछ खून बह गया और किडनी बंद हो गई, या कुछ हार्ट अटैक आया और उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, एंजियोग्राफी किया, डाई यूज़ किया, किडनी फेलियर हुआ, या कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया, बीपी लो हो गया और उसके हिसाब से किडनी फेलियर हुआ, तो उनको हॉस्पिटल के पहले प्रायर टू हॉस्पिटल जो किडनी में कुछ छोटा मोटा भी चेंजेस हुआ था वो उनको कभी भी नहीं मालूम होता। तो इसलिए ये सब चीज़ हम लोग उसको कंटिन्यूस फॉलो में रखते हैं, इससे हिसाब से क्या होता है कि उनको लॉन्ग टर्म किस तरह से गाइड किया जाए। क्योंकि किडनी डिसीज़ ऐसा है कि जब एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखने से उसको जो प्रोग्रेस होता है किडनी फेलियर की तरफ जा रही है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी कंडीशन है उसमें हम उनको होल्ड भी कर सकते हैं, मीन्स वही ना वही स्टेटिक भी रख सकते हैं बाय गिविंग सो मैनी लाइक एडवाइस, मेडिसिन एंड डायटरी चेंजेस। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने करती है, क्योंकि जब एक बार किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर लग जाता है तो डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट पे आके खड़ा हो जाता है। वो बहुत सारी कॉस्टली अफेयर है और नो डाउट कॉस्टली अफेयर के साथ में भी वो नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं दे पाता है। तो कभी भी कोई भी पेशेंट, जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी आता है तो एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा एक बहुत प्रयास रहता है कि वो पेशेंट कंप्लीट रिकवर हो उसमें, और जो रिकवर हो और जो पार्शियल रिकवर हो तो उसको किस तरह से लॉन्ग टर्म मैनेज करना वो भी एक बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे उनके लाइफ में लॉन्ग टर्म डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से हम अवॉइड कर सकें। जी हाँ सर, एक दर्शक ने क्वेश्चन पूछा है, प्लाज्मा थेरेपी क्या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स करवा सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि कोविड के हिसाब से पूछा गया है। तो COVID-19 पेशेंट कोई इन्फेक्टेड हो और उसके बाद में उसके बॉडी में इम्यूनोथेरेपी लाइक इम्यून सिस्टम के हिसाब से IgG डेवलप होता है, तो वो इम्यूनोथेरेपी अभी दिल्ली में और नॉर्थ में काफ़ी पेशेंट में ट्रीट किया हुआ है। तो इम्यूनोथेरेपी ट्रांसप्लांट पेशेंट में दे सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली कोई भी इम्यूनोलॉजिकल थिंग्स ट्रांसप्लांट पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी नॉक डाउन है और कुछ नया चीज़ इम्यूनोथेरेपी देने में से कोई वायरस या कोई बड़ा इन्फेक्शन अंदर घुस जाता है तो डर रहता है। हाँ, आपको कोरोना हुआ है कि नहीं, आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है ट्रांसप्लांट के हिसाब से, तो डेफिनेटली जो रेगुलर थेरेपी है वो करनी चाहिए। एक्चुअली आप देखो तो वायरस का कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, नो डाउट जो 2 मेडिसिन आई है वो जो माइल्ड टू मॉडरेट केस में यूज़ करते हैं, सीवियर केसेस में तो वो यूज़ कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, जितने हमारे जो भी ट्रांसप्लांट रिलेटेड पेशेंट में कोविड इन्फेक्शन हुआ है उनको आज अभी तक में मैंने ऐसा नहीं देखा है जिसको बहुत सीवियर जो ARDS तक जाए ऐसा इन्फेक्शन हुआ हो।
क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी नॉकडाउन होती है कि वायरस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता ही नहीं है जो उनको पूरा न्यूमोनिया या वेंटिलेटर पे मीन्स हाँ डेफिनेटली केयर लेना ज़रूरी है और जब भी लगे कि ट्रांसप्लांट हुआ है और थोड़ा भी सांस में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर अपने डॉक्टर्स को दिखा के सीटी स्कैन या जो भी प्रॉपर इलाज करना चाहिए। बट प्लाज्मा थेरेपी टिल नाउ जितने भी ये इंटरनेशनल पेपर्स है वगैरह है उसमें कोई ऐसा हार्ड कम स्टडी नहीं है कि आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हो। जी हाँ सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, एक्यूट किडनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं? एक्यूट किडनी इंजरी इज अ प्रिवेंटेबल पार्शली सेड यस एंड पार्शली सेड नो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कि मैं बताऊं कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उस पेशेंट को काफ़ी मसल इंजरी हुई, ब्लड लॉस हो गया, तो वो केसेस में हम लोग पूरी थेरेपी करते हैं लेकिन मे नॉट बी प्रिवेंट की एक्यूट किडनी इंजरी। अब जैसे कि दूसरे केस है कि किसी को लूज मोशन हो गया और वॉमिटिंग हो गया, तो उसको टेम्पररी शायद किडनी में यूरिन कम हुआ या थोड़ा क्रिएटिनिन जंप हुआ वो होता है लेकिन वो रिकवरेबल होता है। अब प्रिवेंशन कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट हो जिसको ऑलरेडी यूरिन में थोड़ा सा प्रोटीन जा रहा हो, उसका क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन हो, तो वो जब कोई एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए जा रहा हो तो हम उसको प्रॉपर कवरेज दे, जैसे कि फ्लूड दे, स्पेसिफिक मेडिसिन दे, प्रिवेंटिव मेजर्स ले, तो डेफिनेटली यहाँ हम एक्यूट किडनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो तो जब दवाइयाँ जा रही हो तो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, जैसे कि कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग एक साथ में दो तीन न चली जाए तो उसको भी हम AKI को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जैसे कोई मेरा पेशेंट है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाला जो मेटफॉर्मिन ले रहा है या एसिनिबिटर्स ARB ले रहा है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि देर आर सम सिक डे। सिक डे मीन्स अपने रूटीन लाइफ में ऐसे डेज होते हैं जहाँ हमारी बॉडी वीक फील करती है, जहाँ हमारा ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना होती है, जैसे कि उनको लूज मोशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ, फीवर हुआ, तो हम उन लोगों को बोलते हैं कि स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे कि एसिनिबिटर्स या ARB ग्रुप की ड्रग हो जो BP को फॉल कर सकती हो, तो हम इनको बोलते हैं कि ऐसी दवाइयाँ शॉर्ट टाइम के लिए आप होल्ड कर दो तो आप एक्यूट किडनी इंजरी से बच सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई पेशेंट सर्जरी में गया तो उस समय हम BP को मेंटेन करें, उसको पेन किलर से अवॉइड करें, पॉसिबल है तो उसका मिनिमाइज यूज़ करें, तो एक्यूट किडनी इंजरी से हम बच सकते हैं। तो देर आर सो मेनी सिचुएशन वहाँ हम प्रिवेंटिव मेजर से एक्यूट किडनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक दर्शक ने और एक पूछा है कि जो जनरल वीकनेस है उसको दूर करने के लिए आप सजेशन कुछ दे सकते हो? जनरल वीकनेस इज समथिंग अ वेरी ग्रॉस टर्म। एज ए किडनी स्पेशलिस्ट आई वुड से कि भाई उनको कोई अंडरलाइन कोई रोग नहीं है, क्योंकि जनरलाइज वीकनेस मीन्स छोटे बच्चे में है, एडल्ट में है, उम्र वाले पेशेंट में है, कौन से व्यक्ति में है, तो उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। वीकनेस इज अ वेरी वेग टर्म, तो उसमें क्या होता है काफ़ी टाइम मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, या कभी कभी इवन स्ट्रेस में भी वीकनेस होता है, तो इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल। तो मैं उसको लाइटली लूँगा जब तक कोई अंडरलाइंग डिसीज नहीं है, बट उसके लिए इवेल्युएट करना पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, बड़ी उम्र है, आपके कोई मेडिसिन जा रही है, कभी कभी मेडिसिन से भी वीकनेस आता है तो वो भी एक रूल आउट करना पड़ता है। तो वीकनेस इज अ ग्रॉस टर्म, उसको जो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म चल रहा है उसके साथ वेट लॉस हो रहा है तो इवेल्युएट करना जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट आस्क अपोलो पर जा सकते हो या और एक फ़ोन नंबर फ़ोन कर सकते हो 7698115115। मैं रिपीट करती हूँ 7698115115। थैंक यू। थैंक यू।